हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय सेना के लिए जो सभी विषयों में से सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल अभी देखें। प्रश्न 21, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 22, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? आपका ऑप्शन है ए मुसोलिनी, बी कार्ल मार्क्स, सी हिटलर, डी मार्टिन लूथर। आपका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 23, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? आपका ऑप्शन है ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सावरकर। आपका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 24, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 25, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए विनायक सावरकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। आपका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 26, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी हसरत मोहानी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 27, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आपका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 28, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? आपका ऑप्शन है ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी ए और बी दोनों, डी होंशु। आपका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 29, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए वर्ष 1916, बी वर्ष 1917, सी वर्ष 1918, डी वर्ष 1915। आपका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 30, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? आपका ऑप्शन है ए प्रशा इटली युद्ध, बी प्रशा फ्रांस युद्ध, सी जर्मनी इटली युद्ध, डी जर्मनी फ्रांस युद्ध। आपका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस की क्रांति, बी अमेरिका की क्रांति, सी रूस की क्रांति, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 32, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? आपका ऑप्शन है ए वर्ष 1929-30, बी वर्ष 1930-31, सी वर्ष 1931-32, डी वर्ष 1932-33। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? आपका ऑप्शन है ए मुबारक शाह, बी खिज्र खां, सी मोहम्मद शाह, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 34, हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए बिंबसार, बी शिशुनाग, सी धनानंद, डी उदयीन। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 35, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी उदयीन। आपका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 36, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी अजातशत्रु, सी उदयीन, डी धनानंद। आपका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 37, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए ऐबक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अकबर द्वारा, डी बलबन द्वारा। आपका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 38, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आपका ऑप्शन है
ए उपगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी बृहद्रथ, डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 39। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? आपका ऑप्शन है ए खिंद यवन, बी शक, सी कनिष्क, डी हर्ष। आपका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 40। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन है ए 72 ई, बी 75 ई, सी 78 ई, डी 105 ई। आपका सही ऑप्शन है सी। ये प्रश्न जरूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।